पहली खबर में आपको बता दें, धनबाद जिला मुख्यालय के सदर थाना क्षेत्र के कोर्ट के पास सड़क पर बेसुध अवस्था में एक शख्स पड़ा हुआ था। ये शख्स शराब के नशे में चूर था, जिससे नशे की हालत में अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बेसुध शख्स को हर कोई आते जाते देख रहा था, लेकिन शायद किसी को ये भनक भी नहीं थी कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि पुलिस का जवान था। कोई यह इसीलिए भी नहीं समझ सका कि वह शख्स पुलिस की वर्दी में नहीं था। सुरक्षा दस्ते टाइगर के जवान अपने साथी को उठाने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम रहे। और जब मीडिया मौके पर पहुंचा तो ये टाइगर जवान भी अपने साथी को सड़क पर ही पड़ा छोड़कर भाग निकले। अगली खबर में आपको बता दें, उपायुक्त गोड्डा भोर सिंह यादव एवं पुलिस अधीक्षक गोड्डा वाईएस रमेश के संयुक्त निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज, जिला परिवहन पदाधिकारी गोड्डा शैलेंद्र रजक, नगर थाना प्रभारी मुकेश कुमार पांडे, परिवहन विभाग के कर्मियों के सहयोग से वाहन जाँच अभियान सुबह के 6 बजे से 10 बजे तक नगर क्षेत्र में चलाया गया। जाँच के दौरान मुख्य रूप से लॉकडाउन में अनावश्यक वाहन परिचालन करने वाले वैसे वाहन चालकों को दंडित किया गया जिन्होंने मास्क, हेलमेट और बिना ई पास के परिचालन कर रहे थे। साथ ही साथ वैसे वाहन चालकों को दंडित किया गया एवं उन पर अर्थदंड भी लगाया गया। बेरोजगारी दूर भगाएं, खुद का रोजगार अपनाएं। इजी कैश पॉइंट मौका दे रहा है बहुत ही कम खर्च में CSP यानी ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का मौका। CSP खोलकर आप घर बैठे कमा सकते हैं 10 से 20 हजार रुपए महीना, मनी ट्रांसफर, आधार कार्ड से पैसे निकलवाने की सुविधा, सभी कंपनियों के मोबाइल व DTH रिचार्ज, बिल पेमेंट, पैन कार्ड जैसे सभी सुविधाएं, सभी ट्रांजेक्शन पर पाए तुरंत कमीशन। आज ही CSP ID लेने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9162571443। अगली खबर में आपको बता दें, झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत पाकी थाना क्षेत्र के बांदूबार के निकटवर्ती गांव बूढ़ाबार के लाली माटी जंगल से एक युवती का शव पेड़ के फंदे से झूलता पाया गया। लड़की की दाई आंख भी फोड़ दी गई है। दुपट्टे से ही गले में फंदा लगाकर हत्या किए जाने की बात कही जा रही है। घटना की सूचना पांकी थाना पुलिस को दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपित 23 वर्षीय युवक प्रदीप कुमार सिंह धानु को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद पांकी थाना पुलिस शव को अंत्य परीक्षण के लिए मेदिनीनगर स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा। शव की शिनाख्त बूढ़ाबार गांव के श्याम नारायण प्रजापति की 16 वर्षीय पुत्री के रूप में की गई है। वह 10वीं की छात्रा थी। पांकी थाना प्रभारी अशोक कुमार ने कहा कि स्वजनों के आवेदन की प्रतीक्षा में है, प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान जारी कर दिया जाएगा। आंख में चोट की बात सामने आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अगली खबर में आपको बता दें, रांची के पिठोरिया इलाके में एक नाबालिग लड़की का निकाह करवाए जाने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत मिलने के बाद CWC यानी कि बाल कल्याण समिति रांची ने संज्ञान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बच्ची का बयान भी CWC की ओर से ले लिया गया है, जबकि पिठोरिया थाने की पुलिस को इसकी जांच कर पूरी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। CWC ने जांच पूरी होने तक विवाह संबंधित रीति रिवाज करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही साथ पिठोरिया थाना को नाबालिग लड़की की उम्र की पुष्टि के लिए उचित दस्तावेज CWC में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। नाबालिग के बड़े पिताजी ने पिठोरिया थाना में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें नाबालिग को बहला फुसला कर अपहरण करने के बाद शादी करने और शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है। परिजनों का आरोप है कि इमरान अंसारी नाम के युवक ने उनकी बेटी को झांसे में लेकर अगवा कर लिया। इसके बाद उसे रांची स्थित शहर के काजी के पास ले जाया गया और नाबालिग होने के बावजूद उससे निकाह किया गया। अगली खबर में आपको बता दें, बिहार के बांका जिले के बौंसी की एक युवती को प्रेम जाल में फंसा कर यौन उत्पीड़न करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप झारखंड के देवघर जिले के एक युवक पर लगा है। युवक ने शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण किया। इस दौरान निजी पलों का वीडियो भी बनाया। युवती 3 बार गर्भवती हुई। युवक ने शादी करने के बजाय 3 बार दवा खिलाकर गर्भपात कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद युवती का परिवार सदमे में है। अब यह मामला देवघर नगर थाना की पुलिस के सामने है।
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। देवघर नगर थाना क्षेत्र की एक युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किए जाने को लेकर महिला थाने में मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। युवती का आरोप है कि करीब 6 वर्ष पहले वो बिहार के बांका जिले के बौसी थाना क्षेत्र के बाघमारी झपनिया गांव निवासी विश्वजीत सिंह के संपर्क में आई। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। युवक उससे शादी की बात करने लगा। उसने युवती को अपने स्वजनों से मिलवाया। वहीं वह युवती के स्वजनों से भी मिला। सभी इस रिश्ते को मान गए। उसके बाद वह युवती पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगा। उसने उसके साथ कई बार यौन संबंध भी बनाया। इस दौरान वह 3 बार गर्भवती हो गई तो युवक ने दवा देकर उसका गर्भपात करा दिया।